हमारे चैनल पर ओप्पो F19s का गिव अवे लाइव है, जिसके मैंने आपको पूरे इंडिया में पहली अनबॉक्सिंग वीडियो दी है। अगर आप नए हैं और आपने पार्टिसिपेट नहीं किया है तो पार्टिसिपेट कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। Realme GT Neo 2, ये इंडिया में लॉन्च हुआ है लगभग 5 दिन पहले, और आज से लगभग 5 महीने पहले लॉन्च हुए IQ 7, यानी कि दोनों की जो लॉन्चिंग डेट है उनके अंदर, मार्केट में जो वैल्यू है उनके अंदर 5 महीने का फर्क है। मैंने आपको दोनों की ही वीडियो दी है, Realme GT Neo 2 की दी है, IQ 7 की दी है, लेकिन आज की डेट में जबकि जो सीज़न चल रहा है वो चल रहा है फेस्टिवल सीज़न, त्यौहार पर त्यौहार है, ऐसे में एक कन्फ्यूजन है कि हमें सेम प्राइस सेगमेंट के अंदर Realme लेना चाहिए या फिर IQ लेना चाहिए। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, फीचर्स, प्रोसेसर, कैमरा क्वालिटी, डिस्प्ले लगभग सेम है, और पैसा भी हमें लगभग सेम ही देना है। तो आज हम कंप्लीट कंपेयर करने वाले हैं दोनों स्मार्टफोन का, और मैं आपको बताऊंगा कि इस फेस्टिवल सीजन में आपके लिए यहाँ पर एक जो बेस्ट चॉइस है वो यहाँ पर कौन सी होने वाली है। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आपका स्वागत है एंड्रॉइड गुरुजी में। अनबॉक्सिंग, रिव्यू, गिव अवे, कंपैरिजन, इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर सेट कीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। आज मैं ना बिल्ड क्वालिटी के बारे में ज़्यादा बात नहीं करने वाला हूं, क्योंकि दोनों की लगभग सेम है, 200-205 ग्राम का है, ग्लास और प्लास्टिक की एक सैंडविच डिज़ाइन मिलती है। आप डिज़ाइन वाइज आप देख सकते हैं कि आपको कौन सा पसंद आता है, इसके बारे में आज हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि बात करने के लिए और भी बहुत कुछ है। डिस्प्ले की बात की जाए तो Realme GT Neo 2, ये मैं देखिए Realme और IQ इन्हें इंडिकेट करूंगा, मॉडल नंबर हमें पता है। डिस्प्ले की बात की जाए, बड़ी डिस्प्ले मिलती है 6.62 इंचेस की, फुल HD प्लस, यहाँ पर E4 AMOLED है, 120 हर्ज की है, HDR 10 प्लस का सपोर्ट मिलता है, 92.6% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है, गोरिल्ला ग्लास 5, 1300 निट्स की ब्राइटनेस पीक, ये सब चीज़ें वो चीज़ें हैं जो कि हमें एक नॉर्मल स्मार्टफोन में देखने को मिल जाती है। इसे बेहतर कौन बनाता है, यहाँ पर है दोस्तों 600 हर्ज की TSR टच सैम्पलिंग रेट, जो कि इसे बाकी स्मार्टफोन से थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पे बनाती है ना, एक माइंड ब्लोइंग, एक गेमिंग ब्लोइंग एक चीज़ यहाँ पे बनती है 600 हर्ज की टच सैम्पलिंग रेट मिलना। IQ की बात की जाए, अब IQ सोच रहा होगा कि यार मेरा नंबर अब आया, अब क्या होगा। यहाँ पर आपको डिस्प्ले मिलती है 6.62 इंचेस की, सेम है फुल HD प्लस AMOLED, देखिए AMOLED E4 AMOLED, यहाँ पर आपको पावर कंजप्शन का थोड़ा सा फर्क पड़ने वाला है, क्वालिटी थोड़ी सी और बेहतर मिलने वाली है, 120 हर्ज है, HDR 10 प्लस है, 1300 ब्राइटनेस पीक है, वो सब कुछ सेम है, लेकिन जो TSR है टच सैम्पलिंग रेट वो हाफ है, 300 हर्ज का टच सैम्पलिंग रेट मिलता है। तो यहाँ पर दोस्तों एक बहुत ही सीधी सी बात है ना, कि अगर मुझे डिस्प्ले को देखते हुए एक स्मार्टफोन लेना है, Realme GT Neo 2 एक मेरी यहाँ पर क्लियर चॉइस होने वाली है, सोचने की, समझने की, टेंशन लेने की, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। डिस्प्ले के बाद में नंबर आता है परफॉर्मेंस का, प्रोसेसर का, तो दोनों के अंदर वैसे तो प्रोसेसर सेम है, लेकिन कहा जाता है कि IQ के अंदर हमें, IQ 7 के अंदर हमें दो प्रोसेसर मिलते हैं, इनकी सच्चाई भी हम यहाँ पे आगे बात करते हैं। पहले तो एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि दोनों में आपको मिलता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 870, जो कि 865 से थोड़ा सा अपग्रेड है, 10% या 15% थोड़ा सा आपको बूस्टअप देता है। ऑलराइट, ये एक 7nm फैब्रिकेशन पे आने वाला प्रोसेसर है, ट्राइड एंड टेस्टेड है, मैंने भी कई स्मार्टफोन यहाँ पर आपके सामने रखे हैं जिनके अंदर आपको 870 मिलता है। 8/128, 12/256, ये दोनों में वेरियंट्स मिलते हैं, LPDDR5 फ्रेम, UFS 3.1 मिल्ता है। ऑलराइट, और एंटीटू बेंचमार्क दोनों का ही लगभग 7,15,000-7,20,000 के आसपास आता है, यानी कि दोनों की परफॉर्मेंस वाइज मैं कहूँगा कि सेम आती है। अब हम बात कर लेते हैं कि दूसरा प्रोसेसर क्या है, वो दोस्तों एक दूसरा प्रोसेसर नहीं है, वो एक तरह से इसका को प्रोसेसर का काम करता है, और उसका नाम है IDC, इंटेलिजेंट डिस्प्ले चिप। इन ए केस अगर आप कोई एक गेम खेलते हैं जो कि मान लो 60 हर्ज को सपोर्ट करता है, तो ये जो IDC है ना, इंटेलिजेंट डिस्प्ले चिप, ये उसे बूस्टअप करके आपको 120 हर्ज का वहाँ पर फील देने लगता है, ये चीज़ है। बाकी मैं तो ये कहूँगा कि अगर आपको Realme के अंदर 600 हर्ज का अगर आपको टच सैम्पलिंग रेट मिलता है तो इसकी कमी पूर्ति वहाँ पर हो सकती है। ऑलराइट, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आई, मैंने Realme GT Neo को काफ़ी हद तक यूज़ किया, गेमिंग की, अभी मैं 5-7 दिन से वीडियो नहीं दे पा रहा था, उसका कोई वैलिड रीज़न है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपको नहीं पता होगा, और अगर आप मेरे एक रेगुलर व्यूवर हैं तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा। कहाँ पे गया ये रहा,
ये था रीज़न मेरा वीडियो नहीं देने का। फ़ोन जो था प्राइमरी डिवाइस वो ख़राब हो गया था, नया मंगवाया है, अभी आया है, इसकी मैंने आपको अनबॉक्सिंग दे दी है। तो मेरे हिसाब से अगर आप गेमिंग को देखते हुए स्मार्टफोन ले रहे हैं, परफॉर्मेंस को देखते हुए ले रहे हैं, क्योंकि दोनों स्मार्टफोन इसी को टारगेट करते हैं, इस केस में रियलमी GT Neo 2 आपको थोड़ा सा बेहतरीन क्वालिटी दे देगा। एक और चीज़ जो कि मुझे अभी देखने के बाद में याद में आई कि यहाँ पर जो रियलमी है यहाँ पर आपको स्टेनलेस स्टील वेपर कूलिंग का ऑप्शन मिलता है। आईक्यू में मिलता है क्या? आई डोंट रिमेम्बर। अगर हम बात करते हैं कैमरा की तो दोस्तों देखिए दोनों ही स्मार्टफोन कैमरा सेंट्रिक नहीं है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे मेगापिक्सल्स के और सेंसर की बात कर लेते हैं। Realme 64, 8, 2 और 16 का सेल्फी कैमरा, 4K 60fps। आईक्यू की बात की जाए 48 मेगापिक्सल्स का सोनी का सेंसर है, 598 OIS मिलता है, 13+2 और प्राइमरी सेंसर 48 प्राइमरी और सेल्फी आ गया 16 का, 4K वगैरह है इसके अंदर। ऑलराइट, तो ये दोनों ही स्मार्टफोन कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन नहीं है। बैटरी की बात की जाए तो रियलमी में आपको मिलती है 5000mAh की बैटरी, 65 वाट की चार्जिंग, जो कि लगभग आधे घंटे में 35 मिनट में आपका फ़ोन को पूरा चार्ज कर देगा। आईक्यू की बात की जाए तो 4400mAh की बैटरी, 66 वाट की चार्जिंग, ये लगभग सेम से ही है, लेकिन हाँ 4400 और 5000 के अंदर एक स्लाइटली फ़र्क है नंबर का, यूज़ करने पे आपको इतना ज़्यादा पता नहीं चलता है। 7nm फैब्रिकेशन है, पावर इफिशियंट है, ठीक ठाक बैटरी आपकी दोनों की चल जाएगी। और प्राइस सेगमेंट की बात की जाए तो Realme GT Neo 2 आपको मिलता है 32,000 रुपये का स्टार्टिंग रेंज में, और IQOO 7 आपको मिलता है 30,000 रुपये में। सवाल ये आता है कि हमें लेना कौन सा है। हमने सारे फीचर्स को यहाँ पर देख लिया, मेरे हिसाब से बिल्ड क्वालिटी लगभग सेम है, आप उठा सकते हैं जो आपको पसंद आता है, जो भी कलर आपको पसंद आ रहा है आप उठा सकते हैं। डिस्प्ले की बात की जाए तो डिस्प्ले दोनों की वैसे तो अलग अलग हैं, और मेरा एक क्लियर कट सा डिसीजन रहेगा कि रियलमी की डिस्प्ले आपको थोड़ी सी बेहतर मिलती है IQOO से। प्रोसेसर की बात की जाए तो कूलिंग सिस्टम वगैरह देखते हुए जो रियलमी है ये थोड़ा सा यहाँ पर आगे निकलता है, लेकिन अगर आपको अभी भी वो है ना कि डुअल चिप मॉन्स्टर वगैरह वाली बात है तो फिर आप IQOO देख सकते हैं, मेरे हिसाब से फ़र्क नहीं पड़ेगा। कैमरा दोनों की ठीक ठाक है, और दोनों के ही इतने ज़्यादा कोई अपग्रेड वर्जन नहीं है, ठीक ठाक क्वालिटी आपको मिल जाएगी, बैटरी आपके सामने है। अगर मुझे आज की डेट में एक स्मार्टफोन लेना होगा इन्हीं दोनों में से, वरना तो मेरे पास में और भी बहुत सारी चॉइसेस है, OnePlus Nord 2 की है, मैंने आपको वीडियो देके रखी है, है ना, तो उस केस के अंदर मैं Realme GT Neo 2 की तरफ जाना पसंद करूंगा। पहली चीज़ लेटेस्ट है, ऑलराइट, उसके अलावा मुझे कूलिंग सिस्टम मिलता है, 600Hz की मेरे को टच सैम्पलिंग रेट मिलती है, ये सब चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ पर जो ग्रीन कलर है ना उसके बारे में सोच लेना थोड़ा सा, बाकी जो ब्लू है जो ब्लैक है वो यहाँ पर थोड़े से प्रीमियम कलर लगते हैं। तो आज का विनर मेरे हिसाब से Realme GT Neo 2 है। अगर आपका अभी भी कोई सवाल सुझाव फीडबैक रह जाता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, आपको मेरी तरफ से वहाँ पर रिप्लाई ज़रूर से मिल जाएगा। वीडियो दोस्तों पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में जो भी इस बार फेस्टिवल सीजन में या फिर आजकल में स्मार्टफोन लेने वाले हैं। नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर सेट कीजिए, और कुछ ही गिव अवे हमारे चैनल पर अभी भी लाइव हैं, नए हैं तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, जय हिंद।